Hi everyone, this is the lecture third in the series of revision video. So welcome again to Sahitya Study. This is Dilbagh Verma. और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवाइवल को. एज ऑफ रिवाइवल में जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे. तो रिविजन वीडियो है ये, तो मैं ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं बता पाऊंगा. इससे पहले मैं एज ऑफ रिवाइवल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं. जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली सीरीज है उसमें आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा. तो आज हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवाइवल को. यहां से भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है यूजीसी नेट के एग्जाम में. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका जो बैकग्राउंड है उसको समझ लेते हैं. एज ऑफ रिवाइवल शुरू हुई थी 1400 से लेकर, इसकी एज जो है टाइमलाइन वो 1550 तक है. 1400 से लेकर 1550 तक. तो ये जब एज की शुरुआत होती है तब जो चौसर है, जो हमारे इंपॉर्टेंट राइटर थे पिछली एज के, तो उनकी डेथ हो चुकी थी. और अब इस टाइम पे ना कुछ खास लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था. चौसर की डेथ के बाद एकदम से लिटरेचर बिल्कुल दब गया था. तो उसके बाद इन लोगों ने, उन्होंने क्लासिक्स राइटर को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया. इसलिए वो रिवाइव कर रहे थे नॉलेज को, इसलिए इस एज को बोला जाता है एज ऑफ रिवाइवल. टाइमलाइन याद रखना 1400 से 1550 के आसपास इसकी टाइमलाइन मानी जाती है. तो इसकी मेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसमें एक तो रिबेल हुआ था, केड्स रिबेलियन नाम है उसका. जैक केड इसके मेन लीडर थे, 1450 में हुआ था, इंपॉर्टेंट डेट है याद रखनी है. और इसके साथ साथ ही इसमें 100 ईयर्स वॉर कंटिन्यू यहां तक चल रहा था. 100 ईयर्स वॉर जैसे ही खत्म होता है तो एक वॉर और स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं वॉर ऑफ रोजेज. वॉर ऑफ रोजेज इसको 30 ईयर्स वॉर भी बोलते हैं. ये स्टार्ट होता है 1455 से 1485 तक चलता है ये. और ये कब खत्म होता है, ये दो फैमिली के बीच में था. दो फैमिली थी, फैमिली ऑफ लैंकेस्टर, हाउस ऑफ लैंकेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क. ये दो फैमिली थी. लैंकेस्टर इसमें रेड रोज को रिप्रेजेंट करती है और व्हाइट रोज को रिप्रेजेंट करती है ये जो हाउस ऑफ यॉर्क है, ये वाली फैमिली. तो इसमें वॉर एंड हो जाता है, रिचर्ड थर्ड की डेथ होती है इसमें. रिचर्ड थर्ड की डेथ के साथ ही इसमें ये वॉर खत्म हो जाता है और नया किंग बनता है हेनरी सेवन. हेनरी सेवन बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड स्टार्टेड ट्यूडर डायनेस्टी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्यूडर डायनेस्टी की टाइमलाइन आपको याद रखनी है. ये 1485 से लेकर 1603 तक चली है. ट्यूडर डायनेस्टी में हेनरी सेवन किंग बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद हेनरी एट है, देन उसके बाद इनकी इसका एक लड़का होता है. ट्यूडर डायनेस्टी के किंग यहां पे लिख रखे मैंने हेनरी सेवन, हेनरी एट, एडवर्ड सिक्स, मैरी फर्स्ट और सबसे लास्ट रूलर थी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, जिसकी 1603 में डेथ हो जाती है. तो इनका एम्पायर यहाँ पे आके खत्म हो जाता है. क्वीन एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी इसलिए एलिजाबेथ जो है वो लास्ट रूलर थी ट्यूडर डायनेस्टी की, ठीक है. और एक बहुत ही फेमस क्रिटिक है जॉन गे, उसने बोला है इस ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में, इंग्लैंड वॉज इकोनॉमिकली हेल्थियर, मोर एक्सपेंसिव एंड मोर ऑप्टिमिस्टिक अंडर द ट्यूडर्स than any other time since the Roman occupation. सबसे healthier और optimistic बताया है John Gay ने, कौन से period को, Tudor dynasty को, Tudor वाले period को. अब इसमें यहां तक रेनेसा की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है. जो पेटार्च है इनका काफी contribution माना जाता है. Humanism का concept इन्होंने दिया है. पहले चर्च में बिलीव ज्यादा किया जाता था, अब चर्च की तरफ से ध्यान हटकर लोग मानवता को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे. और जॉन कैल्विन ने भी क्रिश्चियनिटी को रिफॉर्म किया था. इस टाइम पे अमेरिका को डिस्कवर कर लिया गया था. जो क्रिश्चियन थे या जो भी पुर्तगीज एक्सप्लोरर थे वो लैंड को सर्च कर रहे थे, अलग अलग जगह पे जाके वो कोई आइलैंड ढूंढ रहे थे. तो इसी तरह से अमेरिका को डिस्कवर कर लिया 1492 में क्रिस्टोफर कोलम्बस ने, और इंडिया को भी डिस्कवर किया था 1497 में वास्को डी गामा ने. और इसमें अर्ली रेनेसा की भी शुरुआत हो चुकी थी. डेसिडस इरेस्मस ने बुक लिखी थी एजुकेशन ऑफ ए क्रिश्चियन प्रिंस, और जॉन कॉलेट ने स्टार्ट किया था स्कूल सिस्टम इन इंग्लैंड. इंग्लैंड में स्कूलिंग सिस्टम भी शुरू हो गया था. एक अच्छी बात यह हुई थी, यहां पे प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी 1476 में, इंग्लैंड में आई थी. लेकिन सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस आई थी जर्मनी में. इसको इन्वेंट किया था जोनास गटनबर्ग ने, जिसको फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बोला जाता है. लेकिन इंग्लैंड में विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस को लेकर आए थे. अब एक आइडिया को बुक की फॉर्म में अलग अलग जगह पे स्प्रेड किया जा सकता था, एक अच्छी बात यह थी इसमें. पहले प्रिंटिंग नहीं थी तो ओरल लिटरेचर पर ज्यादा फोकस किया जाता था. अब फर्स्ट
प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड बाय जोनास गटनबर्ग इन जर्मनी में, सबसे पहले जर्मनी में हुई थी, और जो सबसे पहले फर्स्ट बुक पब्लिश की गई थी इंग्लिश में वो थी द रेक्यूल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। ये सबसे पहली बुक मानी जाती है जो इंग्लिश में सबसे पहले प्रिंट किया गया था जिसको। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके जो एज ऑफ रिवाइवल है इस एज के। और अब हम डिस्कस करते हैं जो मेजर राइटर्स हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट राइटर है रोजर एसम, ये क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर रहे हैं। ठीक है, और ये ग्रीक और लैटिन ये लैंग्वेज टीच करते थे ये। इनका एक वर्क है टॉक्सोफिलस स्कूल फॉर शूटिंग, ये पहली बुक है जो किस पे लिखी गई है, लॉन्गबो आर्चरी पे, लॉन्गबो आर्चरी तीरअंदाजी के बारे में फर्स्ट बुक है इंग्लिश लिटरेचर में जिसको लिखा गया है किस पे, लॉन्गबो आर्चरी पे। तो डायलॉग की फॉर्म में लिखी गई है, टॉक्सोफिलस एंड फिलोगस दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, डायलॉग की फॉर्म में है ये। उसके बाद नेक्स्ट वर्क है द स्कूल मास्टर, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्कूल मास्टर में एक टर्म दी है इन्होंने एफ्यूज, एफ्यूमिज्म, ये वाली ये टर्म दी है एफ्यूज, जिसको बाद में जॉन लिली ने अडॉप्ट किया था। एफ्यूज का मतलब होता है हाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज करना, अपने वर्क्स में एक नॉर्मल लैंग्वेज यूज ना करना, हाई फाई डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज करना, इसको बोलते हैं एफ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट राइटर है अब इसमें थॉमस मैलरी, थॉमस मैलरी इंग्लिश राइटर है, और ले मोर्टे डी आर्थर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ले मोर्टे डी आर्थर, जिसमें बात की है किंग आर्थर के बारे में, किंग आर्थर और उसके जो 12 नाइट्स थे और राउंड टेबल, इसके बारे में डिस्कस किया है। विलियम वाइचरले ने का जो प्लेन डीलर है वो किस पे बेस्ड है, ले मोर्टे डी आर्थर पे, सिर्फ इतना ही याद रखना है थॉमस मैलरी का। ठीक है, मोर्टे डी आर्थर ये आगे मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर आते हैं जॉन स्केल्टन, इनसे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कि एक कैरेक्टर इन्होंने इन्वेंट किया है कोलिन क्लाउड, ये सिर्फ आपको ऊपर वाला सिर्फ टाइटल पढ़ना है द गायरलैंड ऑफ द ल्योर, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कोलिन क्लाउड, ये इस कैरेक्टर को इन्वेंट किया है जॉन स्केल्टन ने, अर्ली जो ट्यूडर पीरियड है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट रहे हैं जॉन स्केल्टन, और ये कोलिन क्लाउड वाला सबसे पहले ये कैरेक्टर को इन्वेंट किया है जॉन स्केल्टन ने, फिक्शनल कैरेक्टर है इनका ये कोलिन क्लाउड, विच वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस टू एडमंड स्पेंसर, जिसका एडमंड स्पेंसर पे काफी इन्फ्लुएंस रहा है। एडमंड स्पेंसर ने एक वर्क भी लिखा है कोलिन क्लाउड कम होम अगेन, जब वो गवर्नर बनने के बाद उसको क्वीन एलिजाबेथ अपॉइंट करती है एज ए गवर्नर और उसको भेजती है कहाँ पे, आयरलैंड में, तो आयरलैंड की इंफॉर्मेशन सारी क्वीन एलिजाबेथ को देता है। तो ये भी मैंने जो एडमंड स्पेंसर वाली वीडियो है उसमें डिस्कस किया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर इसका मैग्निफिकेंस, ये एक मोरलिटी प्ले है, सिर्फ टाइटल याद रखने हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। उसका नेक्स्ट है फिर विलियम टैंडेल, विलियम टैंडेल को आर्किटेक्ट बोला जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, ही इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज ही कॉइंड सो मेनी फ्रेजेस दैट वी यूज टुडे इन आवर लैंग्वेज, बहुत सारे फ्रेजेस यूज कॉइन किए हैं, काफी सारे फ्रेजेस विलियम टैंडेल ने कॉइन किए हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, क्यों, क्योंकि इन्होंने बाइबल का न्यू टेस्टामेंट जो है उसको ट्रांसलेट किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है, बाइबल पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अब हर बार आने लगा है, बाइबल पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको भी देख लेना। न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था 1525 में और बाद में इसको एडिट, लेकिन इसने देखो ये कंप्लीट ट्रांसलेट नहीं किया, इसको बाद में एडिट किया है माइल्स कोवर्डेल ने, विच इज नोन एज द ग्रेट बाइबल, जिसको बाद में 1539 में द ग्रेट बाइबल का नाम दिया गया। कौन सी डेट पूछ सकते हैं आपको, द ग्रेट बाइबल की डेट क्या है, तो ये है 1539, न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था 1525 में, किसने किया था, इसने किया था विलियम टैंडेल ने, और कंप्लीट नहीं किया, फिर उसको कंप्लीट किसने किया, माइल्स कोवर्डेल ने, ठीक है, एडिटर है ये इसके, माइल्स कोवर्डेल बाइबल भी नाम दिया जा सकता है इसको, राइट, ये भी याद रखना। नेक्स्ट उसके बाद राइटर है थॉमस एलॉयट, थॉमस एलॉयट जो फर्स्ट प्रोपोनेंट माने जाते हैं फॉर द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर लिटरेरी पर्पज, इसने सबसे पहले लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहले लैटिन इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी है, थॉमस एलॉयट ने, और सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी किसने लिखी थी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी लिखी है, ये रेफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट इनका वर्क है द कासल ऑफ हेल्थ। इसमें ट्रेनिंग जो सेंटर है वो खोले जाए, यूथ के ट्रेनिंग की बात की है इसमें, ठीक है। सिर्फ टाइटल ही याद करना है, ये कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट राइटर है डेसिडस इरेस्मस। इरेस्मस वॉज ए ग्रेट ह्यूमनिस्ट, ही हैज बीन कॉल्ड द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ द क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट। ये इसको बोला जाता है क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट। इनका वर्क है द प्रेज ऑफ फोली। फोली इसमें नरेटर का नाम है, प्रेज ऑफ फोली। इसमें एक फ्रेज आपको याद रखना है, नो मैन इज वाइज एट ऑल टाइम्स विदाउट हिज ब्लाइंड साइट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद इस एज के सबसे इंपॉर्टेंट राइटर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर, जहां से क्वेश्चन बहुत बार आया है नेट के एग्जाम में, थॉमस मोर। थॉमस मोर फर्स्ट मार्टर माने जाते हैं क्रिश्चियन ह्यूमनिज्म के लिए, जो सबसे पहले शहीद हुए थे। जो हेनरी एट है वो बहुत ही क्रूअल किंग था, और उसने ट्रीजन का आरोप लगा के थॉमस मोर को मरवा दिया था। इनके वर्क्स को की अगर हम बात करें, ये इंग्लिश लॉयर भी रहे हैं, सोशल फिलोसोफर हैं, ऑथर, स्टेटसमैन और रेनेसा ह्यूमनिस्ट भी है, ठीक है। ये काउंसलर थे हेनरी एट के एंड द लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। हेनरी एट ने ही मरवा दिया था इनको। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क लिखा है यूटोपिया, 1516 में लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया है, सबसे पहले याद रखना है लैटिन लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है 1551 में, और किसने ट्रांसलेट किया है, राल्फ रॉबिन्सन ने। ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, राल्फ रॉबिन्सन ने ट्रांसलेट किया है, और फिर दो पार्ट में इसको पब्लिश किया गया। पहला पार्ट है द डायलॉग ऑफ काउंसिल और डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया, ये दो इसके पार्ट है। यूटोपिया का मतलब अब समझते हैं, यूटोपिया क्या है। देखो, यूटोपिया और डायस्टोपिया एक दूसरे के अपोजिट हैं दोनों। जो यूटोपियन नॉवल होती है या यूटोपिया होता है, उसमें क्या है, सारी की सारी चीजें अच्छी होती हैं, बुरा कुछ नहीं होता। एक ऐसी इमेजिनरी लैंड होती है जो रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूटोपिया या यूटोपियन। जो बुक्स होती है उसमें कुछ भी गलत नहीं मिलेगा आपको, सब कुछ इक्वल, जो वुमेन है और मैन है दोनों के बीच में इक्वल मिलेगा सब कुछ। जितने राइट्स मैन को है उतने ही राइट्स वुमेन को भी है, इस तरह से वुमेन को ट्रीट किया जाता है बिल्कुल इक्वली, तो गलत कुछ नहीं होता। लेकिन डायस्टोपिया में इसका अपोजिट होता है, इसका उल्टा होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जैसे टोटलिटेरियन सोसाइटी है, एक ही पार्टी का राज होता है, एक जैसे तानाशाही होती है, उस तरह की नॉवल लिखी जाती है, उसको डिस्टोपियन बोलते हैं, जिसमें सब कुछ गलत होता चला जाता है, ठीक है। या फ्यूचर में सेट की जाती है, अर्थ का डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है। अल्डस हक्सले की एक नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, और बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है डिस्टोपियन नॉवल का ये। और एक है 1984 जॉर्ज ऑरवेल की है, आर्थर एरिक ब्लेयर रियल नेम है इनका, पेन नेम है जॉर्ज ऑरवेल, उनकी एक नॉवल है 1984, बहुत ही फेमस डिस्टोपियन नॉवल का एग्जाम्पल है ये भी, राइट। तो यहाँ पे यूटोपिया का मतलब, ठीक है, एक आइडियल लैंड होती है, और अपोजिट होता है डायस्टोपिया, जहां पे आइडियल लैंड नहीं होती। अब इसमें मेन प्रोटोगनिस्ट है स्टोरी में राफेल हाइथलोडे, तो इसमें नरेटर है राफेल हाइथलोडे, और एक है जो ये थॉमस मोर खुद है, ठीक है। इसमें यूटोपिया की कैपिटल है अमोरेट। द नरेटर टेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटोपिया। अब यूटोपिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें दिखाई गई है, इक्वलिटी फॉर वुमेन, ठीक है, इक्वलिटी है वुमेन के लिए, कॉमन प्रॉपर्टी लॉ होते हैं, नो स्लेवरी, किसी तरह की स्लेवरी नहीं होती, नो गैम्बलिंग, नो हंटिंग अलाउड, ये चीजें भी अलाउड नहीं है, नो डेथ पनिशमेंट एक्सेप्ट फॉर एडल्ट्री क्राइम। एडल्ट्री क्राइम के अलावा किसी को भी डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती, और एडल्ट्री क्राइम के लिए भी फर्स्ट टाइम में डेथ पनिशमेंट नहीं दी जाती। अब यहां से एक क्वेश्चन बना था पहले पेपर में कि कौन सी जो एंटरटेन की एक्टिविटी उसमें यूटोपिया में अलाउ नहीं है, तो उसमें दिया गया था कार्ड गेम कुछ ऐसे करके था, ठीक है। तो ताश खेलना मतलब वो गैम्बलिंग में आ जाता है, गैम्बलिंग अलाउ नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से ये याद रखनी है। नेक्स्ट उसके बाद राइटर है रिचर्ड टर्टल। मिसले ने लिखा है 1557 में, ये पब्लिशर है, राइटर नहीं है, ये पब्लिशर है, और ये पहली एंथ्रोलॉजी थी, फर्स्ट प्रिंटेड एंथ्रोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोएट्री, जिसमें काफी सारे जो सोनेटियर्स हैं, जो पोएट्स हैं, उनके सोनेट्स को पब्लिश किया गया है। इसमें मेन तीन सोनेटियर्स हैं, ठीक है, कुछ अननोन भी हैं जिनका नाम नहीं है, तीन सोनेटियर्स हैं मेन, और इसमें 54 सोनेट्स को पब्लिश किया गया है। और ये तीन थे थॉमस यार्ट, इसके 27 सोनेट्स हैं, हेनरी हॉवर्ड जिसको अर्ल ऑफ सरे बोलते हैं, इनके
15 सोनेट्स हैं निकोलस ग्रिमेल्ड, इनके 3 सोनेट्स हैं। रिमेनिंग जो 9 सोनेट्स हैं वो किसी अननोन ऑथर ने लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आपको याद रखनी है, डेट कभी भी आ सकती है पेपर में इसकी, 1557। अब सोनेट्स की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले सोनेट्स की शुरुआत कैसे होती है, या सोनेट किस तरह से जो इन्होंने इन्वेंट किए। पहले पटाचन स्टाइल का जो सोनेट्स है उसको फॉलो किया जाता था, जैसे कि ये सोनेट है 14 लाइन का, एक जो पोइम होती है उसको बोलते हैं सोनेट। तो पहले लिखे जाते थे 8+6 लाइन में, ऑक्टेव प्लस सस्टेट ऐसे लिखे जाते थे, दो स्टैंजा में होते थे, पहले 8 लाइन और उसके बाद क्लोजिंग 6 लाइन, इस तरह सोनेट लिखे जाते थे, इसको बोलते हैं पटाचन स्टाइल, ठीक है। लेकिन जैसे इसका एग्जाम, इसकी राइम स्कीम है अब्बा अब्बा सी डी ई सी डी, ए डबल बी ए डबल बी ए सी डी ई सी डी। इसका एग्जाम्पल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फेमस एग्जाम्पल है जॉन मिल्टन का। इस पैटर्न को फिर चेंज कर दिया थॉमस यार्ट और अर्ल ऑफ सरे ने, इन्होंने क्या किया 4+4+4+2 यानी कि 3 quartet + 1 couplet इस तरह से सोनेट लिखना शुरू किया। फिर बाद में सेम स्टाइल को अडॉप्ट किया विलियम शेक्सपियर ने, विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स आप देखेंगे तो इस पैटर्न में, इस स्टाइल में लिखे हुए हैं। इसकी राइम स्कीम है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ डबल जी। अगर आपको शेक्सपियरियन जो सोनेट है उनकी राइम स्कीम पूछी जाए तो आपको ये ही मेंशन करनी है, ठीक है। और लास्ट की जो दो लाइन है उसको बोलते हैं क्लोज कपलेट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सोनेट इंग्लिश में कौन लेकर आया था, अर्ल ऑफ सरे, थॉमस यार्ट और अर्ल ऑफ सरे, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इस एज में आपको इतने ही राइटर बस पढ़ने हैं, ज्यादा सी डिटेल आपको पढ़नी है थॉमस मोर के बारे में, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो याद रखना अच्छे से। और डेट है जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस कब आई थी, ये इस तरह के क्वेश्चन की डेट आपको सीक्वेंस में मिल सकती है, मिसलेनी की डेट आ सकती है और यूटोपिया की डेट भी आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। अगली हमारा जो लेक्चर होगा अगला, उसमें हम एलिजाबेथन एज को शुरू करेंगे। एलिजाबेथन एज में जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री है उनको अलग से डिस्कस करेंगे, जो शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर है एज ए राइटर उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, पोस्ट शेक्सपियरियन ड्रामा है, ठीक है, प्रोज राइटर है या जो पोएट है सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में तो नहीं हो पाएगा, देखो रिवीजन की वीडियो है तो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियो। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।